गाछेर नाइट्रोजेन और माइक्रोनिउट्रिएंट्सेर घाटति पूरण करार जोन्नो एकटी अन्यतम होम फार्टिलाइजार हलो ऑरेंज पिल फार्टिलाइजार माने कमलालेबुर खोसा दिए तैरी सार। एई सार जे गाछेर नाइट्रोजेने घाटति मेटाई ता नय, पाशापाशि गाचे प्रचुर परिमाणे फुल और फलानतेओ बुस्टर हिसाबे काज करे। होम गार्डेनिंगेर एकटी कमन समस्या हलो विभिन्न पोकामाकड़ जा आमादेर शखेर बागानके निमेषेर मध्येई नष्ट करे देय। कमलालेबुर खोसा दिए तैरी तरल गाछेर फार्टिलाइजारेर पाशापाशि एई सब क्षतिकारक पोकामाकड़ेर हाथ थेकेओ गाछके रक्षा करार क्षेत्रे व्यापक कार्यकारी। तो एई भिडियोर माध्यमे आपनारा जानते पारबेन कमलालेबुर खोसा किभाबे फार्टिलाइजार और इनसेक्टिसाइड हिसाबे व्यवहार करबेन एबं किभाबे एई खोसा दिए सहजे सार तैरी करबेन। ताहले चलुन देखे नि कमलालेबुर खोसा दिए तैरी सार और कीटनाशक बानानोर पद्धति। वेलकाम टू डिबी गार्डनार। आपनारा देखतेई पाच्छेन आमार हाते एकटी कमलालेबू आछे। आमी आगे थेकेई कयेकटी कमलालेबुर खोसा छाड़िए निएछि। एई देखुन एई खोसागुलो कमलालेबू थेके खोसा छाड़ानोर पर एगुलोके आमी दुदिन पर्यन्त हालका रोदे शुकिए निएछि। आपनादेर जोदि हालका रोदे शुकोते असुविधा हय ताहले कोनो छायायुक्त स्थाने 3 दिनेर जोन्नो रेखे देबेन, तातेओ होबे। एबार आमी खोसागुलोके छोटो छोटो पिस करे केटे नेब। आपनाराओ चेष्टा करबेन छोटो पिस करे केटे नेवार, ताते करे जे पात्रे सार तैरी करा होबे तार मध्ये एगुलोके जेमन राखते सुविधा होबे तेमोनी खूब ताड़ाताड़ी एर निउट्रिएंट्स भ्यालुगुली जलेर संगे मिशे जाबे। बाटीते थाका समस्त कमलालेबुर खोसा आमार काटा हो गेल। आपनारा देखतेई पाच्छेन आमी कमलालेबुर खोसागुलोके छोटो छोटो करे केटे निएछि। एबार जे पात्रेर मध्ये सार तैरी करब ता निये नेब। आमी एखाने एकटी जार टाइपेर प्लास्टिकेर कौटो निएछि। एबार एई पात्रे समस्त कमलालेबुर खोसागुलोके रेखे देब। तारपर जे परिमाणे खोसा निएछि तार डबल परिमाणे आइडिया करे जल निये नेब। आशा करी आपनारा देखते पाच्छेन जलेर परिमाणटी। एबार एई पात्रके एयारटाइट करे बेधे दिते होबे जाते जे ग्यास तैरी होबे ता बाइरे बेरोते ना पारे आर बाइरेर बातास भेतरे प्रवेश करते ना पारे। एयारटाइट करे बेधे देवार पर एटाके 5 दिनेर जोन्नो छायाते रेखे दिते होबे और प्रतिदिन एक बार करे भालो करे झाँकिए निते होबे। एई प्लास्टिक पात्रेर मध्य रखा कमलालेबुर खोसार आज 6 दिन 5 दिन पर्यन्त एटाके एइभाबेई छाया स्थाने रेखे दिएछिलाम। एई 5 दिने खोसाय जा जा निउट्रिएंट्स भ्यालु रयेछे ता एई जलेर संगे मिशे गियेछे। एबार ढाकाटी सरिये खोसार साथे मिशे थाका जल छेके नेब। जलेर उपर जे सादा धरनेर आस्तरण बा फैना देखा जाच्छे ता किन्तु आपनारा फेले देबेन ना, एर मध्ये किन्तु विभिन्न निउट्रिएंट्स भ्यालुगुली रयेछे। एबार आमरा एटाके छेके नेब। बंधुरा तैरी आमादेर ऑरेंज पिल फार्टिलाइजार जा गाछेर फुल फल धराते, गाछेर ग्रोथ बुस्ट करते, गाछेर माइक्रोनिउट्रिएंट्स और नाइट्रोजेने घाटति मेटाते एवं पोकामाकड़ थेके गाछके सुरक्षा दीते दारुण कार्यकरी। एई तरलटिके सार हिसेबे सरासरि किन्तु गाछे व्यवहार करा जाबे ना। ताहले देखे निन एटाके व्यवहार करार आगे कि करते होबे। एखाने आमी बाल्तिर मध्ये अल्प परिमाणे जल निये संगे एकटी मग नियेछि। प्रथमे सारटी एई मगे ढेले निच्छि। एबार जे परिमाणे सार आछे तार ठीक 4 गुण जल एई सारेर संगे मिशिये निते होबे। ताहलेई गाछे अप्लाई करार जोन्नो पुरोपुरी तैरी हये जाबे आमादेर कमलालेबुर खोसार तैरी तरल जैव सार। एई सारके आपनारा जे कोनो धरनेर गाछेई व्यवहार करते पारबेन। एटी जेहेतु एकटी जैव सार তাই এর কাজ কিছুটা ধীর গতিতে হলেও কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার থেকে এটা অনেক গুণে ভালো। এই সার আপনারা প্রত্যেক ১৫ দিন পর পর গাছে একবার করে দিতে পারেন। এবার চলে আসি পোকামাকড় দমনে এটিকে কিভাবে ব্যবহার করব। সার হিসাবে ব্যবহার করার সময় যেমন 4 গুণ জল মেশাতে হয়েছিল, তেমনি পোকামাকড় দমন করার ক্ষেত্রে এখানে 2 গুণ জল মিশিয়ে নিতে হবে। আমি এই স্প্রে বোতলে 2 গুণ জল মিশিয়ে ভরে নিয়েছি, সঙ্গে পরিমাণ মতন মিশিয়ে নিয়েছি লিকুইড সোপ। লিকুইড সোপ মেশানোর সুবিধা হলো সংক্রমিত গাছগুলিতে যেগুলোতে স্প্রে করা হবে সেখানে জল পুরোপুরি ঝরে যাবে না, তা গাছের সঙ্গে আটকে থেকে পোকামাকড় দমনে সাহায্য করবে। এই মিশ্রণের স্প্রে প্রত্যেক 5 দিন অন্তর অন্তর 4 থেকে 5 বার ব্যবহার করলেই দেখতে পাবেন এর রেজাল্ট। এবার এই স্প্রেটি ভালো করে গাছে দিয়ে দেব। তাহলে বন্ধুরা, আপনারা দেখতেই পেলেন কমলা লেবুর খোসা কিভাবে ফার্টিলাইজার ও ইনসেক্টিসাইড হিসাবে ব্যবহার করা যায়। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি আজকে এ পর্যন্তই। ভিডিওটি কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার এবং লাইক করে দেবেন। আর এমনই গার্ডেনিং সম্পর্কিত নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য নিচে থাকা সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে নোটিফিকেশানটি অন করে দেবেন। তাতে করে যখনই এই চ্যানেলে নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করা হবে তখনই সেই ভিডিও সবার আগে পৌঁছে যাবে আপনাদের কাছে। নমস্কার।